ईवी दुनिया भर की सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आज ईवी के मार्केट को कैप्चर करने में लगी हुई है और सारी गवर्नमेंट ईवी को अलग अलग तरीके से प्रमोट करने में लगी हुई है। पर अगर मैं कहूँ कि एक ईवी एक डीजल पेट्रोल कार से ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईवी हमारे एनवायरमेंट को डायरेक्टली पॉल्यूट नहीं करती, बल्कि इसमें जो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है इनकी बैटरीज, और इनकी बैटरीज को बनाने में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं जैसे निकल, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, उनको माइन करके बाहर निकालने में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। और इन एलिमेंट्स से बैटरी बनाने में जो कार्बन एमिशन होता है वो किसी भी डीजल और पेट्रोल के जो लाइफ टाइम कार्बन इमिशन है उससे ज्यादा होता है। और इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। सिर्फ 20% इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है जो रिन्यूएबल सोर्सों से हमें मिलती है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के टाइम पर वो सारा पॉल्यूशन कर चुके होते हैं जो हम किसी डीजल पेट्रोल कार को लाइफ टाइम चलाकर करने वाले थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें चैनल सब्सक्राइब कर लेना।